है सोशल साइंस। आज इस वीडियो में चैप्टर 13 से मैं आपके लिए जरूरी क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बाकी जो जरूरी जरूरी बातें हैं मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो सबसे पहले अपना जो देखा जाए अपने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न मेरे पहले की। प्रश्न पहले में उसे कहा जाता है परिवहन से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या है कि आपको सवाल कैसे बन सकता है एग्जाम में, ये परिवहन से आप क्या समझते हैं, यातायात किसे कहते हैं, या आपको सवाल कैसे भी घुमा फिरा के आपको बन सकता है कि परिवहन से क्या अभिप्राय है, परिवहन का क्या अर्थ है, यातायात का क्या अर्थ है, कैसे भी आपका सवाल बन सकता है, मतलब क्या बनता है इसका। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें जो लिखा है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, फिर उसको अपने शब्द में बताता हूँ। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की गतिविधियाँ अथवा सामान की ढुलाई को परिवहन कहते हैं। अगर इसका देखा जाए आसान सा मतलब अगर समझा जाए तो मतलब क्या बनता है, परिवहन का मतलब क्या बनता है, यातायात का मतलब क्या बनता है कि यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई वस्तु है या देखा जाए कोई व्यक्ति है, उनका एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाना बनता है हमारा पर परिवहन। या अगर देखा जाए पे हमारा पर देखा जाए कोई कोई वस्तु है, कोई सामान है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं या ला रहे हैं या दोनों चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारा कहलाता है परिवहन कहलाता है। तो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न दो की। प्रश्न दो में आपसे कहा जाता है परिवहन के तीन साधनों के नाम बताइए, मतलब देखा जाए परिवहन होता है, परिवहन हमारा देखा जाए मेनली हमारे पर देखा जाए कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। एक होता है हमारा पर स्थल मार्ग, एक होता है जल मार्ग, एक होता है हमारा पर वायु मार्ग। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं परिवहन के तीन साधन हैं जल मार्ग, स्थल मार्ग, वायु मार्ग। स्थल मार्ग में हमारा देखा जाए क्या आता है, सड़कें आती है, रेलवे आती है। जल मार्ग के अंदर देखा जाए इसके अंतर्गत हमारा समुद्री जो मार्ग होते हैं, मतलब क्या होता है हमारा पास समुद्री जो हमारे का शिप होते हैं, नाव वगैरह होती है, वो हमारे अंदर आती है जो हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। इसके अलावा देखा जाए हमारा वायु मार्ग, इसके अंदर हमारा देखा है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही हमारे सेवाएं आती है, मतलब हमारे देखा कुछ हमारे जो डोमेस्टिक फ्लाइट होती है, कुछ हमारे पे देखा इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह होती है। और इसके बारे में आने वाले क्वेश्चन में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल देखा जाए सिर्फ हम इतना ही जानते हैं कि जो हमारे परिवहन होते हैं मेनली हमारे पर देखा है तीन तरह के होते हैं, स्थल, जल और वायु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पशुपति की। पशुपति में आपसे कहा जाता है जीवन के लिए संचार के साधन क्यों आवश्यक है, मतलब यहाँ पर देखा जाए हमारे लाइफ में जरूरी हो चुका है संचार, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो चुका है। क्यों जरूरी हो चुका है, हमारे आज के समय में देखा जाए हमारा जो संचार है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपना संचार देखा जाए कई तरीके से करते हैं, तो लेकिन संचार हमारे लिए क्यों जरूरी है। जीवन के लिए संचार बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव में जीवन का संपूर्ण विकास क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। इसकी कमी होने पर क्या होगा, हमारा जीवन के अंदर क्या होगा, इतने से रुक जाएगा। सिंपल सा देखा जाए हमारा पर देखा जाए जीवन में आज के समय में देखा जाए संचार बहुत ज़्यादा करते हैं कि जरूरी है कि संचार के माध्यम से हमारा देखा जाए कई लोगों से अपना कम्युनिकेट कर पाते हैं, चाहे वो हमारे जानने वाले हो, चाहे वो हमारे जानने वाले ना हो, कोई और हो, हम उनसे अपना क्या कम्युनिकेट हो पाते हैं, तभी अपना देखा जाए अपनी इन्फॉर्मेशन है, अपनी कुछ जानकारी है, अपनी कुछ फीलिंग्स है, अपने मैसेज है, अपने कहते हैं कुछ बातें हैं दूसरे तक पहुँचा पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न चार की। प्रश्न चार आपसे कहा जाता है सड़क हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमारा देखा जाए परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन भी हमारा एक बनता है जो कि हमारा आता है स्थल मार्ग में, स्थल मार्ग में हमारा सड़क परिवहन भी आता है। अब ये हमारे लिए तो क्यों जरूरी है, सड़क हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि अगर सड़क ना हो तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी नहीं पहुँच सकते। यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी सड़कें, मतलब देखा जाए हमारा देखा है परिवहन के जो मार्ग होते हैं सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो हमारा इस्तेमाल होता है हमारा पर सड़क परिवहन। हमें देखा जाए सड़क परिवहन हमारे एक ऐसा परिवहन होता है जो हमें हमारे हमारे घर तक पहुँचाता है। हमारा देखा जाए ट्रेनें होती है, हमारा देखा जाए जो हवाई जहाज होते हैं या वाटरशिप होते हैं, तो वो हमारे घर के दरवाजे के सामने तक हमें नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन जो हमारा देखा जाए सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन में हमारे घर के बाहर तक हमें पहुँचा सकते हैं, ये हमारा होता है सड़क परिवहन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न पाँच की। प्रश्न पाँच में कहा जाता है राष्ट्रीय महामार्ग का क्या अर्थ होता है, ये हमारा देखा जाए राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में बताना है। राष्ट्रीय महामार्ग राष्ट्रीय महत्व की सड़कें हैं, इन मार्ग महामार्गों का निर्माण का कार्य एवं रख रखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, मतलब हमारा देखा जाए राष्ट्रीय महामार्ग का मतलब मिलता है हमारा पर नेशनल हाईवे, जिसे आपने सुना होगा यहाँ पर NH, NH10, NH24, या अपना देखा जाए कई सारे हमारे यहाँ पर जो हमारे बनते हैं राष्ट्रीय महामार्ग बनते हैं, जिनकी देख रेख और जो निर्माण कार्य कुछ होता है हमारा मेंटेनेंस वगैरह होती है, वो जो कल कार्य होता है किसके अंडर में होता है हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पश्चिम छः की। पश्चिम छः में कहा जाता है
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं क्या होती है? तो यहाँ आपको बताना है घरेलू और हमारे अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं हमारे से क्या बनती है। इसमें देखा जाए पहले जो इसमें लिखा है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसमें हमारे लिखा क्या है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवा सरकार और प्राइवेट दोनों ही हमारा देखा जाए उनके द्वारा प्रदान की जाती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ये सरकारी उपक्रम है। ये कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम इंडियन ऑयल और देश के पूर्वोत्तर भाग में हवाई परिवहन का प्रदान करती है। मतलब हमारा देखा जाए जो हमारे यहाँ पर देखा जाए कुछ हमारे यहाँ पर परिवहन को लेकर सेवा बनती है। एक होती है हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक होती है घरेलू, एक होती है हमारे पर इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में हमारे देखा जाए पूरे भारत में कहीं भी करते हैं कि आ जा सकने में कोई दिक्कत परेशानी वगैरह ज़्यादा नहीं होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय में देखा जाए कुछ यहाँ पर फॉर्मेलिटी वगैरह निभाई जाती है, कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम सात की। पश्चिम सात में ऐसा कहा जाता है परिवहन यानी कि यातायात का क्या महत्व बनता है, कि हमारा देखा ट्रांसपोर्ट है परिवहन है हमारे किस किस काम में हमारा आता है। निर्माताओं और उत्पादों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, तो हमारा यहाँ पर देखा जाए तो होता है हमारा पे मैन्युफैक्चरर होता है, एक हमारा देखा जाए गलती कौन होता है यहाँ पर उसका उत्पादकों को कच्चा माल पहुँचाना, ये हमारा कैसे काम करता है परिवहन। कि हमारा देखा जाए बहुत से हमारे मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है उनको क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और रॉ मटेरियल कैसे कहाँ से आएगा वो हमारा देखा है कहने का हमारा देखा है कृषि व्यवस्था से या हमारा देखा जाए खनन व्यवस्था से, इन दोनों में से तो कहने कैसे आता है। और हमारा देखा जाए कि कैसे आता है परिवहन के द्वारा आता है, मतलब देखा जाए हमारा देखा जाए चाहे हमारा रॉ मटेरियल हो चाहे हमारा मैन्युफैक्चर्ड कोई हमारा प्रोडक्ट हो वो एक जगह से दूसरी जगह आएगा जाएगा कैसे, वो जाएगा हमारे यहाँ पर परिवहन के माध्यम से। इसी तरह देखा जाए हमारे यहाँ पर अगला जो पॉइंट्स बनता है हमारे यहाँ पर परिवहन के फायदों को लेके, कि उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराना, कि हमारा देखा जाए हमें हमारे घर में कई सारी जरूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। हम बहुत सारे देखा जाए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन जो शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वो भी हमारे पास कैसे आती है परिवहन के जरिए आती है। इसी तरह देखा जाए करते हैं कि हमारे देखा है घर में अपना दूध है सब्जी है दालें हैं जो भी कुछ हमारा जो का सामान होता है तो वो भी कैसे आता है परिवहन के माध्यम से आता है। हमारे पास देखा जाए करते हैं घर में जो भी हमारा सामान वगैरह होता है टीवी फ्रिज एसी मोबाइल जितनी भी चीज़ होती है ये भी देखा जाए परिवहन के माध्यम से ही करते हैं कि हमारे घर तक पहुँचती है। तो उपभोक्ताओं तक वो जो वस्तु होती है वो आती है कैसे आती है परिवहन के माध्यम से आती है। इसके साथ ही देखा जाए लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना, ये हमारा बनता है परिवहन का एक जरूरी महत्व बनता है कि लोगों का जीवन स्तर कर देखा हो काफ़ी अच्छा हो, कि हमारा देखा परिवहन जितना सस्ता होगा और जितना फास्ट होगा और जितना सुरक्षित होगा उतना ही कहते हैं हमारा जीवन का जो स्तर है जो हमारा कहते हैं लाइफ स्टाइल है काफ़ी अच्छा बेहतर बनेगा। आपातकाल और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता करना, तो होता क्या है कई बार कहते क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो है कुछ आपदा वगैरह जाती है आपातकाल वगैरह आता है कहीं अपना जैसे देखा जाए कहीं भूकंप आता है बाढ़ आती है या अपना देखा जाए कुछ और दिक्कत परेशानी अगर होती है तो वहाँ देखा जाए अपना परिवहन के माध्यम से ही लोगों तक राहत कार्य पहुँचाया जाता है, लोगों को रेस्क्यू किया जाता है परिवहन के माध्यम से ही रेस्क्यू किया जाता है। इसी तरह देखा जाए लोगों को जो देखा जाए अपना कुछ ना कुछ उनको देखा जाए अपना जैसे फूड पैकेट है कुछ दवाइयाँ है या अपना देखा जाए पीने का पानी है या कुछ अपना देखा जाए और जरूरत का सामान है वो भी देखा जाए परिवहन के माध्यम से ही उन तक पहुँचाया जाता है। और कैसे पहुँच जाता है हेलीकॉप्टर के जरिए या अपना देखा जाए दूसरे हमारे बनते हैं कुछ हमारे वायु परिवहन बनते हैं जो हमारे यहाँ पर परिवहन का काम करते हैं और ऐसे आपातकाल के समय में देखा है लोगों को मदद पहुँचाने का काम करते हैं। इसके अलावा देखा जाए पर रोजगार सृजन में सहायता करता है, मतलब यहाँ पर देखा जाए बहुत से लोगों को जो यहाँ पर देखा जाए काम करने का अवसर मिलता है किसमें परिवहन में, यानी कि बहुत से लोग जो है अपना देखा जाए अपना कोई ड्राइवर है या अपना देखा जाए कोई उसको मैन्युफैक्चर में कोई काम कर रहा है या कोई उसमें रिपेयरिंग का कोई काम कर रहा है या किसी न किसी से अपने परिवहन के कार्यों में लगे हुए हैं, तो इतने से देखा जाए हमारा परिवहन जो है अपना लोगों में रोजगार को भी बढ़ावा देता है। इसके साथ ही देखा जाए राष्ट्रों को निकट आने में भी सहायता होती है हमारे यहाँ पर, कि जो हमारे देखा जाए आस पड़ोस के जो हमारे देश है या दूर देश के जो देश है अब वो हमारे देश और उनके देश आपस में कनेक्ट होते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं कैसे कनेक्ट हो सकते हैं कैसे आपस में लेन देन कर सकते हैं वो कर सकते हैं अपना जो है अपना किसके जरिए परिवहन के जरिए। तो हमारे यहाँ पर देखा है भारत में क्या विदेशी सामान आता है बिकने के लिए आता है या भारत का बहुत सामान होता है विदेशों में जाता है बिकने के लिए कैसे जाता है परिवहन के माध्यम से जाता है, तो परिवहन का देखा जाए हमारे देश में हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम आठ की। पश्चिम आठ में ऐसा कहा जाता है ऐसे क्यों कहा जाता है कि संचार ने संसार को छोटा बना कर दिया है। आज के समय में देखा जाए हमारा देखा जो कम्युनिकेशन है इस कम्युनिकेशन में देखा जाए क्या है
पूरी दुनिया को बहुत छोटा जैसा बना कर रख दिया है। दुनिया जैसे देखा छोटी नहीं हुई है, लेकिन जो हमारा देखा जाए अपना कम्युनिकेशन है, इसने देखा जाए पूरी दुनिया को एक तरह छोटा बना कर रख दिया है। छोटा बनाने का मतलब क्या है कि हम आज के समय में देखा जाए, दुनिया में देखा जाए, किसी से भी अपना देखा जाने वाले किसी से भी अपना जो कॉन्टैक्ट करना चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसे फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये अपना देखा है किसी न किसी ना किसी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा देखा है संचार ने गलते दुनिया को बहुत छोटा बना कर रख दिया है। कई हमारा देखा जाए गलते जो महीनों महीनों की हमारी यात्रा होती थी, महीनों सालों की यात्रा होती थी, आज हमारा देखा जाए कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो संचार है और हमारा परिवहन है, इस संचार और परिवहन ने देखा जाए गलते दुनिया को काफ़ी छोटा बना कर दिया है कि आज के समय में देखा जाए हम कम समय में देखा जाए देश दुनिया के कहीं भी किसी भी अपना देखा जाए जगह पर जा सकते हैं। साथ में देखा जाए करते हैं संचार के माध्यम से हम अपने किसी भी जाने वाले व्यक्ति से संपर्क वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए हमारा पर देखा जाए संचार ने संसार को छोटा बना कर दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों के विकास संचार अत्यंतरिक हो गया है। अब दूरस्थ स्थानों पर संदेश भेजना और प्राप्त करना सरल हो गया है। संचार मानव का एक मूल क्रियाकलाप है, क्योंकि जानकारी तथा विचारों का आदान प्रदान व्यक्ति आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान और की क्षमता होना सामाजिक प्राणी की आवश्यकता है, और संचार के द्वारा मानव विकसित हो सकता है और तथा उन्नति कर सकता है। मतलब हमारे देखा जाए कि हमारा पहले गलती कि जो है कि संचार हमारे लिए देखा आज समय में देखा बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है, और ये देश दुनिया को हर जगह से कनेक्ट करता है। इसके साथ ही देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम आप करते हैं तो आपको करना क्या है, आपको शुरुआत में गलती है कि वो क्वेश्चन करने जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में आपको वो क्वेश्चन करने जो आपको नहीं भी आते हैं, लेकिन आपको छोड़ना कोई नहीं है। आपको 3 घंटे मिलते हैं सोशल साइंस में, आप पूरे 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर करिए, अच्छे से करिए, जहाँ तक हो सके आप जो है उन सब के आंसर पॉइंट्स में करिए, पॉइंट्स में करेंगे तो आपको जो है नंबर काफ़ी अच्छे से मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नौ की। प्रश्न नौ में ऐसा कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य महामार्ग में क्या अंतर है। चलिए सबसे पहले इसमें जो लिखा है पहले को समझ लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सड़कें राज्य की प्रमुख सड़कें हैं। इसके निर्माण और रखरखाव का दायित्व राज्य सरकार को होता है। यह मार्ग राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ता है। राष्ट्रीय महामार्ग, यह राष्ट्रीय महत्व की सड़कें हैं। यह एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाती है। इन महामार्गों का निर्माण कार्य रखरखाव मेंटेनेंस वगैरह केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो मतलब हमारे देखा जाए कुछ हमारी सड़कें होती है जो हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है, कई सारे राज्यों में जाती है, वो हमारी क्या बनती है, नेशनल हाईवे। और जो कि जबकि हमारे देखा जाए कुछ ऐसे हमारी सड़कें होती है जो कहते हैं स्पेशली देखा जाए किसी ना किसी एक राज्य के अंदर होती है, वो होती है हमारे पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में ऐसा कहा जाता है जन संचार से आपको समझते हैं इसके 3 विशेषताएं लिखी है। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है जन संचार, जन संचार करते क्या होता है, मास कम्युनिकेशन, जिसको अपना ये देखा है इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार, संचार हमारा 2 तरह का होता है, संचार हमारा पे 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा पे निजी संचार, एक होता है सार्वजनिक संचार। सार्वजनिक संचार को हम अपना देखा है जन संचार भी कहते हैं। अब इसमें हमारा देखा जाए कहते हैं कि इसकी क्या क्या बात बनती है। जन संचार के माध्यम राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति लोगों को जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्वस्थ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा फिल्में जन संचार के महत्वपूर्ण साधन हैं। इन साधनों के माध्यम से एक साथ बहुत संख्यक लोगों को जानकारी अथवा मनोरंजन कराया जा सकता है, इसलिए इन्हें यहाँ पर जनसंचार के माध्यम या साधन कहा जाता है। तो मतलब है जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जनसंचार का मतलब क्या होता है कि वो संचार जो सभी के लिए है। हम अपना देखा जाए रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, ये अपना देखा जाए कहीं ना कहीं अपना देखा जाए कई सारे जानकारी इंफॉर्मेशन सूचना कुछ ना कुछ हम प्राप्त करते हैं, वो क्या होती है सबके लिए होती है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि क्या है सभी के लिए। समाचार पत्रों में जो खबरें आती है वो क्या सबके लिए है। रेडियो पे जो भी कुछ हमारा इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी कुछ आता है वो क्या होता है सबके लिए होता है। ऐसे देखा जाए हमारे जो टेलीविज़न पर जो भी हमारा उसमें देखा जाता है वो देखा जाए किसी व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि क्या है सभी व्यक्ति के लिए। ये हमारे क्या बनते हैं जनसंचार बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 में से कहा जाता है रेल परिवहन के लाभ और सीमाएं बताइए। मतलब हमें देखा जाए
आपका देखा जाए रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, इन चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके आने के चांस बनते हैं कि इनके लाभ क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, ये होते क्या है, इनके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है। तो सबसे पहले आप देखा जाए, जान लेते हैं कि रेल परिवहन के लाभ क्या है, उसकी सीमाएँ क्या बनती है, सीमाएँ मतलब इसकी लिमिटेशन क्या बनती है, इसकी कैसे क्या बनता है, इसके कुछ लिमिट बनती है। रेल परिवहन के देखा जाए सबसे पहले फायदे क्या है कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे सुविधाजनक साधन अपना है और सड़क परिवहन से तेज है। मतलब यहाँ पे देखा जाए मुझे अगर कोई लंबी दूरी यात्रा करनी है तो उसके लिए देखा जाए कहते मेरे लिए कहते क्या होता है कि रेल परिवहन काफ़ी अच्छा साधन है। और देखा जाए कहते कि इसमें देखा है फैसिलिटी वगैरह भी होती है काफ़ी, व्यक्ति अपना सो के जा सकता है, बैठ के जा सकता है, वाशरूम वगैरह भी काफ़ी फैसिलिटी वगैरह होती है। इसके साथ देखा जाए रेल परिवहन का किराया बाकी परिवहन के मुकाबले क्या होता है, कम कीमत वाला होता है। कि हाँ देखा जाए अगर मैं देखा जाए अपने खुद की गाड़ी से जाऊँ, बस से जाऊँ, या देखा जाए मैं अपना जाता हूँ फ्लाइट वगैरह से, तो क्या होता है उसका किराया महंगा होगा। लेकिन अगर मैं देखा जाए ट्रेन से जाता हूँ तो ट्रेन का किराया देखा बाकी के मुकाबले चलते क्या होता है थोड़ा सस्ता होता है। इसके साथ देखा जाए इसकी कुछ लिमिटेशन भी बनती है, इसकी कुछ सीमा भी बनती है, क्या होता है थोड़ी दूरी के लिए काफ़ी महंगा है। अगर आसपास देखा है छोटी मोटी अगर डिस्टेंस के लिए मुझे जाना है तो क्या है काफ़ी गलते महंगा पड़ सकता है। लेकिन कहते क्या है देश के कई भागों में भी देखा जाए रेल सेवा कहते क्या कम है, या हमारे देखा भारत में देखा है कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ जंगल है, पहाड़ है, या कुछ ना कुछ हमारे ऐसे जगह बनती है या दलदल वाले इलाके बनते हैं जहाँ कहते देखा जाए ट्रेन अभी तक नहीं पहुँच पाई है ठीक से, वहाँ पर ट्रेन का जो इतना ज़्यादा इतना है नहीं। तो ऐसे देखा जाए हर जगह ट्रेन नहीं है। इसके अलावा देखा जाए रेलगाड़ियों का एक निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए सडनली मुझे अगर कहीं जाना है तो मुझे अगर देखा जाए रेल स्टेशन पर जाऊँगा तो हो सकता है मुझे तुरंत कहते ट्रेन ना मिले। इसके अलावा देखा जाए कहते हैं कि ट्रेन का कहते क्या होता है एक निर्धारित समय होता है क्या बहुत सी ट्रेनें कहते क्या होती है कहीं लंबी दूरी होती है या अपना कोई डिस्टेंस वगैरह होती है, तो ऐसी जगहों के लिए कहते क्या होता है ट्रेनें कहते चलती हफ्ते में जैसे 2 बार या चलती हफ्ते में 3 बार, या इनका एक टाइम होता है चलने का। अब इसमें देखा जाए कहते मुझे अगर जाना है कहते कहीं अगर लंबी यात्रा में जाना है तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई वहाँ के लिए ट्रेन जा रही है नहीं जा रही है। अगर जा रही होगी तो मैं उसमें तुरंत जा सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं जा रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कहते हैं कि ये भी नुकसान है कि यहाँ पर अपना ट्रेन जो है अपना हर थोड़ी थोड़ी देर में नहीं जाती है, बल्कि क्या होता है हर ट्रेन का अपना एक निर्धारित समय होता है, वो अपने निर्धारित समय से चलती है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि हमारे पर देखा जाए ट्रेनों का कहते कि मोस्टली क्या होता है कि चलने का समय तो लगभग तय होता है लेकिन पहुँचने का समय कहते क्या होता है कई बार कहते हैं कि वो फिक्स नहीं रहता। मोस्टली कहते क्या होता है कई बार देखा जाए ट्रेनें जो होती है वो अपने निर्धारित समय से थोड़ी बहुत क्या होती है लेट हो जाती है। अब कुछ ट्रेनें ऐसी होती है जो अपने निर्धारित समय से काफ़ी हद तक कई 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 घंटों तक लेट हो जाती है पहुँचने में। तो ट्रेन चलती तो टाइम से है लेकिन पहुँचने में कहते क्या करती है लेट हो जाती है। थोड़ा सा ये भी नुकसान है यहाँ पर हमारा पर रेलों का। इसके अलावा देखा जाए आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 12 की। प्रश्न 12 में से कहा जाता है सड़क परिवहन के लाभ और सीमाएं बताइए। कि हमारा देखा जाए जैसे मैं आपको बता रहा था सड़क परिवहन, कि सड़क परिवहन के फायदे क्या है, इसकी सीमाएं क्या बनती है, इसकी लिमिटेशन क्या बनती है। तो सड़क परिवहन के लाभ हमारा देखा जाए कम दूरी के लिए अच्छा साधन है। कि मुझे देखा है आसपास में जाना है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह छोटे मोटे आसपास की डिस्टेंस है तो मैं अपना देखा जाए बस से जा सकता हूँ, अपना कुछ अगर शेयरिंग वाले ऑटो होते हैं तो मैं उससे जा सकता हूँ, ये अपना देखा जाए कहते हैं कि अपना कोई ना कोई अपना गाड़ी ऑटो वगैरह कुछ ना कुछ मैं कर सकता हूँ जा सकता हूँ ठीक है। तो छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए देखा जाए हमारे पास सड़क परिवहन देखा जाए काफ़ी अच्छा है और शीघ्र नागरिक नाशवान वस्तुएँ एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से पहुँचाई जा सकती है। तो शीघ्र नाशवान वस्तुओं का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे पे खाने पीने की जो क्या होता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को जल्द से जल्द जो देखा जाए उपभोक्ताओं तक जो कंज्यूमर तक पहुँचाना ज़रूरी होता है, जैसे हमारा देखा जाए दूध है, पनीर है, या हमारा देखा जाए कुछ और सब्जी वगैरह बनती है या कुछ और खाने पीने की चीज़ें बनती है, अब इनका देखा जाए जल्द से जल्द देखा जाए कंज्यूमर तक कस्टमर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर लेट से पहुँचेगा तो क्या होगा ये चीज़ें क्या होती है ख़राब हो जाएगी, ख़राब होने पर जो कस्टमर खरीदेगा नहीं और क्या होगा जो भी उस व्यक्ति को खरीद के लाता है बेचने के लिए उसको क्या होगा नुकसान होगा। और सड़क परिवहन इसके माध्यम से ही देखा जाए ये चीज़ जल्द से जल्द देखा जाए उपभोक्ता तक पहुँचाई जा सकती है। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर देखा जाए एक और पॉइंट बनता है सड़क परिवहन आसानी से उपलब्ध जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा सड़क परिवहन हमारा कहते एक ऐसा परिवहन है जो हमें बहुत जल्दी से और आसानी से हमें उपलब्ध जाता है।
अगर मुझे देखा है आसपास मुझे कहीं जाना है तो वहाँ के लिए क्या लेके मिल जाती है कि मुझे आसानी से बस मिल जाएगी, यानी बस स्टैंड पे जाऊँगा अपना बस स्टॉप पे मुझे देखा है आसपास में हाथ थोड़ी थोड़ी देर में कोने कोने बस मुझे मिल जाती है, और बसों को अभी भी देखा है अपना आपस में चेंज कर करके भी आगे में जा सकता हूँ। इसके अलावा देखा जाए मुझे आसानी से देखा जाए ऑटो भी मिल सकते हैं, इसके अलावा देखा जाए आसानी से जो देखा जाए शेयरिंग वाले ऑटो होते हैं मुझे वो भी मिल सकते हैं, या देखा जाए और भी मेरे कहते हैं कई सारे परिवहन के साधन वगैरह मुझे मिल जाएंगे, कैसे सड़क परिवहन पे ये मुझे कहते हैं आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इनके लिए मुझे कुछ ज़्यादा इतना टाइम टेबल बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में इनकी सर्विस वगैरह होती है। इसके साथ ही देखा जाए हमारा सड़क परिवहन की भी देखा जाए क्या होती है, कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ इसकी सीमाएं बनती है। क्या सीमाएं बनती है इसकी, क्या लिमिटेशन बनती है? लंबी दूरी के लिए यह बहुत ही महंगा होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए मैं अपना कोई ऑटो कर रहा हूँ या अपना देखा जाए मैं अपना कोई अपना गाड़ी कर रहा हूँ अपने खुद के लिए और एक लंबी दूरी के लिए जा रहा हूँ, तो ऐसे में देखा जाए लंबी दूरी के लिए जा रहा हूँ जिसका सफ़र देखा जाए कि अपने देखा जाए 2 घंटे का है, 4 घंटे का है, 6 घंटे का है, 8 घंटे का है, या से ज़्यादा का है। अगर खुद की गाड़ी से लेके जा रहा हूँ कहीं से, अगर देखा है किराए पर कोई गाड़ी वाड़ी ली है या कोई मैंने कहीं से किसी को मैंने कहा है मैंने किसी गाड़ी वाले को कि मुझे यहाँ से लेकर मुझे वहाँ तक छोड़ना है, तो ऐसे में देखा जाए उसका जो किराया होगा वो क्या होगा, बहुत महंगा होगा। तो ये थोड़ी दिक्कत ही होती है कि छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए तो ठीक है लेकिन लंबी दूरी के लेकर लेके आए काफ़ी महंगा पड़ जाता है सड़क परिवहन। प्रतिकूल मौसम जैसे बाढ़, वर्षा, भूस्खलन आदि का इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है कि कई बार के अंदर क्या होता है कि तेज़ बरसात होती है तो तेज़ बरसात में जो भी हमारा गाड़ी वगैरह होती है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। इसके साथ ही देखा जाए अगर रास्ते में देखा जाए कहीं अगर कहते हैं कोई पानी वानी भर जाता है, कोई दिक्कत वगैरह आ जाती है, तो ऐसे में देखा जाए हमारा परिवहन की जो रफ्तार होती है बहुत स्लो हो जाती है। सड़कों पर जाम लगाने के बाद क्या होता है परिवहन की रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम 13 की। पश्चिम 13 में से कहा जाता है जल परिवहन के लाभ और सीमाएं बताइए कि जल परिवहन है हमारा पर, तो जल परिवहन के हमारा पर क्या फ़ायदे हैं और क्या इसकी लिमिटेशन बनती है। तो उससे पहले जान लेते हैं इसके फ़ायदे क्या बनते हैं हमारा पर। तो जल परिवहन के फ़ायदे क्या है, दुर्घटना के नज़र से ये बड़ा सुरक्षित परिवहन है क्योंकि यहाँ देखा जाए सड़कों पर जो देखा जाए सबसे ज़्यादा हमारी दुर्घटना होती है किसके मुकाबले, जल परिवहन के मुकाबले, क्योंकि जल परिवहन ज़्यादा दुर्घटना होती है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारी दुर्घटना कहाँ होती है, सड़कों पर होती है। इसके अलावा देखा जाए इसके मार्ग को बनाने या उसके रखरखाव में बहुत कम खर्चा बनता है इसमें देख। और उसके अलावा देखा जाए जल परिवहन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। होता क्या है कि अपना देखा जाए जैसा हमारा भारत देश है, भारत जो देश है हमारा देखा जाए एक नहीं बल्कि कई देशों के साथ व्यापार करता है, हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ में, इसके साथ देखा जाए हमारे जो दूर दराज के जो हमारे देश है उनके साथ में कई तरह का व्यापार करता है। जब उनके देश से कोई चीज़ हमारे देश में आती है बिकने के लिए तो कैसे आएगी, परिवहन के माध्यम से। अब बीच में क्या पड़ जाता है हमारा, समुद्र पड़ जाता है। जब एक देश है दूसरे देश है काफ़ी लंबा काफ़ी दूर हमारा देखा जाए डिस्टेंस पड़ता है तो बीच में हमारा समुद्र आ जाता है। अब यह है कि या तो भाई अपना जो अपना देखा हवाई जहाज है हमारा कहते हैं हवाई जहाज से कहते आया जाए सामान को लाया जाए, लेकिन क्या है भारी सामान होने की वजह से वो अपना हवाई जहाज से लाना सामान थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और साथ में देखा जाए अगर ले भी आते हैं तो वो हमें क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं जो हमारा जो समुद्र वाला रास्ता होता है समुद्र रास्ते से हमारा जो हमारे जल जहाज होते हैं उसमें सामानों को रखा जाता है, और जल जहाज में सामान को रख के हम देखा जाए भारी सामान को भी लाकर भारी सामान को भी अपना देखा जाए अपना जल जहाज में रख के अपना देखा अपने देश में ला सकते हैं और अपने देश से दूसरे देशों में भेज सकते हैं। तो थोड़ा सा ये फ़ायदा बनता है, इससे हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है जल परिवहन से, क्योंकि इसके इसमें हमारा देखा जाए जो अपना टर्मिनस होता है वो हमारा देखा जाए एरोप्लेन के मुकाबले गलती क्या होता है थोड़ा कम होता है। इसके साथ ही देखा जाए जल परिवहन की सीमाएं भी बनती है, कोई लिमिटेशन बनती है। सीमाएं की इसमें क्या बनती है कि बहुत से जल परिवहन मन गति से चलते हैं, तो हमारे देखा बहुत से जो हमारा देखा जल जहाज है उसमें जो जाते तो है लेकिन क्या है स्पीड ज़्यादा नहीं होती है जिस वजह से उनको पहुँचने में क्या होता है टाइम ज़्यादा लगता है। खराब मौसम पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जल परिवहन में जहाज की खरीद और रख रखाव पर भारी खर्चा आता है, इसकी मेंटेनेंस है इसका रख रखाव है काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम 14 की। पश्चिम 14 में कहा जाता है वायु परिवहन के लाभ और सीमाएं बताओ कि यहाँ पे हमारा देखा जाए सबसे ज़्यादा जो फास्टेज हमारा बनता है तेज बनता है वायु परिवहन।
अब वायु प्रवहन का हमारे देखा जाए एक नहीं बल्कि कई सारे फायदे हैं, लेकिन जहाँ जिस चीज़ के फायदे हैं वहाँ उस चीज़ के कुछ इसकी लिमिटेशन भी बनती है। तो क्या लिमिटेशन बनती है हम वो भी जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि वायु प्रवहन के लाभ क्या बनते हैं। तो यहाँ देखा जाए आपको क्वेश्चन जो भी करने हैं आपको किस में करने हैं, पॉइंट्स में करने हैं। एक पॉइंट्स हो जाने के बाद में आपको एक लाइन छोड़ देनी है, और जहाँ देखा आपका एक आंसर ख़त्म हो जाता है आप उस एक आंसर ख़त्म हो जाने के बाद में आपको दो लाइन छोड़ देनी है, ताकि जो है चेकर को साफ साफ दिखाई दे कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ खत्म हुआ है। कई बार गलती क्या होता है, लिख तो देते हैं लेकिन चेकर को पता नहीं चलता है कि आंसर कहाँ है और नंबर क्या है। वो कई बार काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और टीचर क्या करता है उसको काट देता है, कुछ समझ भी नहीं आता। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप क्वेश्चन आंसर करें नंबर आप जरूर सही डालें, आंसर आप उसको पूरा सही तरीके से लिखें, और जब अगला क्वेश्चन शुरू करें तो उसका भी देखें बीच में थोड़ा सा गैप दे दें, ताकि वो गैप अगले क्वेश्चन की शुरुआत बता दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए हमें बताना है कि वायु परिवहन के फायदे क्या है। यह परिवहन का सबसे तेज साधन है कि हमारा देखा जाए जल परिवहन, सड़क परिवहन, इन दोनों के मुकाबले हमारा देखा जाए वायु परिवहन सबसे तेज साधन है। जिन स्थानों पर रेल नहीं है वहाँ वायु परिवहन से पहुँचा जा सकता है, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रेल परिवहन जो है या सड़क परिवहन से देखा जाए हर जगह नहीं पहुंच सकते। बीच में क्या होते हैं बहुत से हमारे देखा है कई जगहों पर जंगल आ जाते हैं, दलदल आ जाते हैं, या कई जगहों पर पहाड़ आ जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जो ट्रेन नहीं चढ़ सकती, हमारे देखा है बहुत सी जो अपनी गाड़ियाँ हैं नहीं चल सकती। ऐसे में देखा जाए गलत है कि उन जगहों पर बहुत ही कम समय में सुरक्षित तरीके से जाया जा सकता है, कैसे, हवाई जहाज के जरिए। इसके साथ ही देखा जाए आपातकाल के दौरान यह परिवहन सबसे सुविधाजनक सहायता पहुँचाने वाला होता है, कि जब देखा जाए कहीं अगर आपदा आती है, कहीं बाढ़ है, या अपना देखा जाए कहीं भूकंप आया है, या अपना देखा जाए कोई किस तरह की दूसरे तरह की आपदा आई है, तब ऐसे में देखा जाए अपना देखा है बहुत से हमारे देखा जाए वायु जो हमारे परिवहन बनता है वहाँ लोगों को जाके रेस्क्यू करता है, उन्हें बचाता है, उन्हें कहते हैं कई लोगों को जो फूड पैकेट है, पीने का पानी है, या अपना देखा जाए कहते हैं कुछ कंबल है, या अपना देखा कुछ ना कुछ उनको जरूरत का सामान उनको पहुँचाता है, कैसे, वायु परिवहन के जरिए। इसके साथ देखा जाए देश की सुरक्षा में भी, देश की रक्षा में भी सहायक होता है हमारा पर वायु परिवहन, कि हमारे देखा बहुत से क्या है फाइटर जेट, हाँ तो हमारे जो फाइटर जेट है, जो फाइटर जो हमारे विमान है वो हमारे देश की रक्षा में भी काम आते हैं। इसके साथ ही हमारे देखा जाए इसकी कुछ सीमा बनती है, कुछ इसकी लिमिटेशन है। वायु परिवहन देखा है बहुत महंगा है, जहाँ सबसे ज़्यादा तेज है तो वहाँ ये देखा जाए सबसे ज़्यादा महंगा भी है, कि अपना देखा जाए सड़क परिवहन हमारा देखा जाए जल परिवहन के मुकाबले देखा जाए वायु परिवहन के लिए क्या है महंगा। इसके साथ ही देखा जाए भारी सामान या अधिक मात्रा में सामान ले जाना संभव नहीं होता, क्योंकि जो सामान ले जाते हैं तो उससे भी क्या होती है लिमिटेशन होती है, कि हम उतने लिमिट तक सामान ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा का जो हम अपना लिमिट में जो सामान नहीं ले सकते अगर ले जाते हैं तो उसका हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। इसके साथ ही देखा जाए खराब मौसम का इस पर प्रतिकूल असर पड़ता है और छोटी दूरी के लिए सही नहीं है। दुर्घटना होने पर माल संपत्ति और जान का भारी नुकसान होता है, कि अगर इसमें देखा जाए कोई अगर दुर्घटना होती है तो जान और माल के बहुत भारी नुकसान होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखा जाए अभी तक मैं आपको जो काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ चैप्टर से, अब आपको करना है क्या है इन सब क्वेश्चंस को आपको दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही देखा जाए आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं तो ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल के शर्मा टेक्निकल सेंटर यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में आपको आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, आप वहाँ से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और इनको देखा जाए आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी अपने अच्छे से तैयारी कर सके। आप इन वीडियो की एक नहीं बल्कि कई बार अपना वीडियो देख देख के आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो एक बार देखने से नहीं होती है, बल्कि होता है क्या है कि पढ़ाई मांगती है प्रैक्टिस, कि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी पढ़ाई उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ देखा जाए आपको करना क्या है, इनको बार बार अपने देखना है, प्रैक्टिस करना है, सेल्फ टेस्ट लेना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके लिए देखा है बहुत